ठीक है, तो हमें गाड़ी जब जो मोड़ जिस साइड को है तो हमें इधर से नहीं निकालना, गाड़ी इधर को लेना है पहले। तो यहाँ पर आप आराम आराम से बनाते रहना। चलो देखते हैं, रिस्क लेके देखते हैं कुछ ही सामने वाली जो गली है। आपका स्वागत है अपने चैनल में आरके कार ब्लॉग में। बहुत टाइम से एक भाई का कमेंट आ रहा था कि भाई मुझे गांव की गलियां हैं उनमें गाड़ी निकालना नहीं आती है, ठीक है, तो मैं आज इसी गलियों पे यहाँ इसी रोड से लेके जाऊँगा, ठीक है, अपने ही गाँव में आज बताऊँगा कि गाँव गलियों में गाड़ी कैसे निकाली जाती है। तो मैंने गाड़ी धो रहा के साफ़ कर ली है बिल्कुल। अगर आपको गाड़ी देखने में अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप एक लाइक करना। फिर मैं कार के अंदर बैठता हूँ सीधे और यहाँ से निकलता हूँ गलियों में, ऐसी गलियों जहाँ पर ज़्यादातर गाड़ी लोग बहुत कम ले जाते हैं और निकलने में दिक्कत भी होती है, ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊँगा किस प्रकार से वहाँ से कार निकालें आप गलियों में से, ठीक है। तो सबसे पहले लॉक खोलते हैं, गाड़ी में बैठ गए, उसके बाद में सीधे यहाँ से निकलना चालू करते हैं। गाड़ी जो है स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और आज अपने ही गांव में जब वीडियो बना रहे हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लोग गांव के मुझे देखेंगे भी, ठीक है। यहाँ से सेट करते हैं, गांव में मैं अपनी फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ अपनी गांव की गलियों में। देखो सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ये वो मोड़ है ऐसा कि यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा कि इस तरफ से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको और वहाँ पर दीवार भी है, अगर हम गाड़ी को मिला के यहाँ से निकालेंगे तो गाड़ी इसमें लग जाएगी, ठीक है, दीवार में। तो हमें क्या करना है, गाड़ी इधर को करना है इस प्रकार से बिल्कुल, फिर इस तरफ से इधर काटना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से ठीक है, करा यहाँ से ऐसे करा इस प्रकार से, जैसे मैंने गाड़ी यहाँ करी, यहाँ से सीधे लेगा आगे के लिए। सबसे पहले गाड़ी के लिए इधर के लिए हल्का सा काट लिया, ठीक है। काटने के बाद में यह स्टीयरिंग आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको हल्के से इधर को करना है इस प्रकार से, जैसे इधर करा और ये दीवार जो है काफ़ी पीछे आ गई, और ये पीछे वाली शीशे में मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अभी आराम से गाड़ी यहाँ पर निकल गई, आपने देखा कितनी आसानी से इस मोड़ पे गाड़ी निकल जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपको भी आराम से गाड़ी निकालना आ जाएगी। और इन गलियों में आपको बताऊंगा जहाँ मैं रोज़ गाड़ी निकालता हूँ यहाँ, ठीक है। मुझे परेशानी नहीं होती है गाड़ी निकालने में कुछ ही, मैं डेली यहाँ से निकालता हूँ। अगर आप भी यहाँ से निकालेंगे इस प्रकार से तो आपको भी जाएगी, ठीक है। ये है फिर मोड़ गाड़ी के लिए, इस तरफ को इधर को मोड़ना है इस प्रकार से। अब फिर वही मोड़ आ गया, ठीक है। तो हमें गाड़ी जब जो मोड़ जिस साइड को तो हमें इधर से नहीं निकालना, गाड़ी इधर को लेना है पहले। बढ़िया तरीके से गाड़ी लिया। अच्छा ये मैं आपको उतर के दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं तो गाइस अभी आपने देखा मैंने कि आपको बाहर से दिखाया था गाड़ी किस प्रकार से मैंने निकाली, ठीक है। अब चलते हैं इस साइड पर, यहाँ से निकालते हैं गाड़ी। ये आ गया मेन चौराहा है अपना, यहाँ से निकालने के बाद इस साइड को काटते हैं। इंडिकेटर मैंने पहले से इधर का लगा दिया, ठीक है। कुछ हमें इधर को जाना है, कार आ रही है तो हमें एक मिनट वेट करते हैं यहाँ पर। ये इको कार जो आ रही है उसे निकल लेते पहले। गाड़ी जो है निकल गई, यहाँ के बाद मैं मोड़ता हूँ हैंडल इस प्रकार से, इधर को मोड़ा। गांव में ज़्यादातर हॉर्न देने का इस्तेमाल करना, ठीक है, शांत गाड़ी में चलाना। कुछ सुहार का टाइम है तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं इधर से निकल के, तो यहाँ पर आप आराम आराम से बनाते रहना, धीरे धीरे चलना गाड़ी लेके यहाँ से इस प्रकार से। जैसे कोई आए यहाँ पर तो हॉर्न देना, मोड़ पे सबसे पहले आपको हॉर्न का इस्तेमाल करना है। इसके बाद में आप इस साइड पे देखते हैं गाड़ी इधर को मोड़ना है पतली गली में, तो आपको सबसे पहले गाड़ी इस साइड पे बिल्कुल सीधे लेना है। ऐसे मैंने इधर को ली और पीछे शीशे में देखते रहना कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद में स्टीयरिंग के लिए मैंने इधर को काटा, काटने के बाद में फिर बिल्कुल सीधा कर लिया, ठीक है। सीधा करने के बाद में फिर यहाँ से स्टीयरिंग के लिए यहाँ पर फिर अच्छा खासा मोड़ा गया, फिर इधर के लिए गाड़ी काट दी। वेरी गुड, इसी प्रकार से आपको निकालना।
इन गलियों में ज़्यादातर गाड़ियाँ एक ही बार में सिंगल गाड़ी निकलती है एक बार में, ठीक है, डबल गाड़ी नहीं आती है। यहाँ पर अगर कोई आता हो तो हॉर्न दे देते हैं, जिससे क्या होता है पीछे वाला जो भी बेचती होगा वो रुक जाएगा, उसी से मालूम है यहाँ से एक बार में एक गाड़ी निकलती है। तो बढ़िया करके यहाँ से निकाली, आज भीड़ थोड़ी लंबी हो जाएगी। देखो बच्चे भी आ रहे हैं अच्छे खासे, यहाँ से निकालने के बाद अब क्या करें, गाड़ी निकालते हैं सीधे, निकल जाएगी वहाँ से पता नहीं है। चलो देखते हैं, रिस्क लेके देखते हैं कुछ, सामने वाली जो गली है काफ़ी ज़्यादा पतली है, ठीक है, तो वहाँ तक गाड़ी ले आने की कोशिश करते हैं, अगर निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर ज़्यादातर जानवर भी बने हुए हैं, निकालने के बाद कुत्ते सब कुछ बैठे हुए हैं। नहीं नहीं निकलेगी कुछ, वहाँ पर थैली जो खड़ी है और रास्ते में खड़ी है, तो यहीं से गाड़ी पैक करते हैं। ले लो भी पकड़ा, लेते हैं गाड़ी यहाँ से। बढ़िया तरीके से क्योंकि यहाँ रिस्क लेना ठीक नहीं था। पीछे बच्चे भी आ रहे हैं अच्छे खासे, गाड़ी यहाँ से पैक कर दी। तो गाइस वहाँ पर से गाड़ी निकालना काफ़ी ज़्यादा रिस्क था, क्योंकि वहाँ पर किसी की मानी की रेता जो होता है वो रोड पे डाल दिया था, ठीक है, बकरी किसी की बनी है तो किसी की कोई चीज़ खड़ी है, तो वहाँ पर जगह नहीं थी गाड़ी निकल जा, तो मैंने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा, तो गाड़ी के लिए बैक ले ली। अब गाड़ी के लिए इस साइड पर मुड़ते हैं, ठीक है, और गलियाँ हैं उनमें लेके चलते हैं गाड़ी। अब सीधे गाड़ी यहाँ से मोड़ी, गाड़ी के लिए सीधे लेके चलते हैं। यहाँ से थोड़ी सी निकालते हैं यहाँ से, अगर आपको वीडियो ज़्यादा हिल रही है तो इसकी शिकायत आपको आने वाले टाइम में नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे पास इस साइड नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से फ़ोन जो है हमारे हाथ से ज़्यादा हिल रहा है। आप गाड़ी के लिए इधर के मुड़ते हैं यहाँ को, ठीक है, ये मेरा खुद का गांव है, ठीक है, इसमें हम रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर चालू आ गए हम मेन रोड पे, अब यहाँ से वहाँ सामने साइकिल खड़ी है, यहाँ से गाड़ी निकालना चालू करते हैं बिल्कुल सीधे। ये वही गली यहाँ जहाँ निकालने में हर नए बेचू को दिक्कत होती है, यहाँ हमें वेट करना पड़ेगा साइकिल हटाने का। एक मिनट के लिए, ये हर गांव की दिक्कत होती है कि रोड पे कुछ ना कुछ खड़ी जो कर जाते हैं, फिर तो उसके लिए हॉर्न बजाना होता है, उसके बाद में कोई निकल के आता है फिर वो बचाता है, ठीक है। यहाँ से निकाली सेट पे, यहाँ जो है टच हो गया गाड़ी के, यहाँ से निकाल लिया आराम से। मैं ज़्यादा तेज चला रहा हूँ गाड़ी तो हिल रहा है, ठीक है, फोन इस चक्कर से गाड़ी छोड़ी चलो बढ़ानी चलाने पड़ रही है, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से गाड़ी निकाली, ऐसा करा फेरिंग, ठीक है, ये है मेन कट,
यहाँ हर कोई गाड़ी रोक के ही समझता है कि कैसी गाड़ी निकल गई। ठीक है, एक रास्ता इधर की गई है, एक इधर से गई है, और ये मस्जिद की दीवार है, यहाँ पर कई लोगों की गाड़ियाँ टकरा जाती हैं अच्छी करके, तो वहाँ पर निशान भी लग जाते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको यहाँ से गाड़ी बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको गाड़ी इस साइड पर लेना आराम से बढ़िया करके। ठीक है, लेने के बाद गाड़ी के लिए इधर को ऐसे क्या करना। ठीक है, यहाँ देखो जो मैंने आपको बताया था, जो टच हो जाती है तो गाड़ी दीवार पे यहाँ पर लग जाती है, तो यहाँ का मसाला छूट चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ से सीधे निकालते हैं। ये हो गया आपका रास्ता बिल्कुल सीधा, इसी प्रकार से यहाँ से सीधे लेके जाना है गाड़ी के लिए। सीधे जाते जाते हैंडल को बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक है, इन गलियों में जैसा रोड उसी हिसाब से आप स्टीयरिंग को इस्तेमाल करना। धीरे धीरे गाड़ी बढ़ाई आगे। यहाँ देखो सामने बच्चा है, तो इस प्रकार से यहाँ रुकना है। सामने जो बच्चा बैठा है, देखो गांव में अधिकार ऐसा होता रहता है, ध्यान रखना होगा आपको और हमें भी। यहाँ से गाड़ी लेके निकले, थोड़ा बैक करते हैं, आपको एक मेन शॉट दिखाते हैं। ठीक है, गाड़ी यहाँ से बैक ली। अब बैक लेने के बाद इस शीशे में देखो पीछे कोई है कि नहीं है। ठीक है, पीछे कोई नहीं है। आप नीचे जो पटले देखना है, ठीक है, गाड़ी इन पे से ही निकालना है। देखो तो किस प्रकार से निकालना मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। तो गाइस आपने अभी देखा था, ठीक है, मैंने वहाँ से गाड़ी निकाल ली। किस प्रकार से निकाली, देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, अपने स्टीयरिंग जो है बिल्कुल सीधा रखा। ठीक है, उस जो पटले जो पड़े हैं उनके हिसाब से मैंने अंदाज लगा कि हाँ मेरे टायर अब आराम से उस पर बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने बिल्कुल सीधी रखी गाड़ी और उन पटलों पर से आराम से निकल गई। इसी प्रकार से अब केवल स्टीयरिंग का खेल होता है और कुछ नहीं होता है गलियों में से गाड़ी निकालने में। ठीक है, अब बाहर रास्ते पर आ गए गाड़ी लेके। अब यहाँ से सीधे बाहर की तरफ निकलते हैं अभी, इसके बाद अंदर जाएंगे फिर से एक नए रास्ते पे। यहाँ पर गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा हिल रही है। यहाँ से निकलने के बाद ठीक है मेन रोड पे आ गए। यहाँ से मेन रोड पे होने के बाद फिर से गांव के अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ करिए अंदर। इसके बाद में सीधे यहाँ से अंदर पहुँच गए। ठीक है, यहाँ अंदर करी गाड़ी। सीधे अंदर करने के बाद में सीधे यहाँ पर रखा, उसके बाद में सीधे यहाँ करी, सीधे गाड़ी के लिए लेके तो गए। देखो फिर अब मुझे गाड़ी मोड़ना है इस तरफ को। कैसे मोड़ना है यहाँ पर, सबसे पहले आपको गाड़ी इस साइड के लेना नीचे को। मैंने इधर के लिए गाड़ी नीचे करा। नीचे करने के बाद में एक हॉर्न बजाया। हॉर्न बजाने के बाद में ताकि भाई भी हट गए, सामने जो भी आता होगा वो भी रुक जाएगा। आप गाड़ी के लिए इस तरह से इधर मोड़ ली, स्टीयरिंग कुछ ज़्यादा ही छोड़ दी मैंने, इसलिए आवाज़ गाड़ी आवाज़ कर रही है। ठीक है, ये देखो बाइक जो खड़ी है, यहाँ से आराम से निकालना है। आपको दिखा देता हूँ कितना बचे, और इस तरफ को जो है स्लैप है दिख रहा है आपको, यहाँ मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ से निकालना कैसे, सबसे पहले स्टीयरिंग को जो है बिल्कुल सीधे रखना है। ठीक है, और साइडों से देख लेना कि गाड़ी कहीं टच तो नहीं हो रही है, और उधर भी देख लेना। ठीक है, नहीं हो रही है तो बिल्कुल सीधे रखें स्टीयरिंग के लिए। उसके बाद में डायरेक्ट गाड़ी के लिए इधर के लिए बिल्कुल सीधे रखने के बाद इस तरफ को सीधे लेने गाड़ी, फिर धीरे धीरे गाड़ी इस प्रकार से मोड़ना। ठीक है, यहाँ देखो ये निकल गई। निकलने के बाद में सीधे इसमें पीछे वाले शीशे में देखो कितना कम गैप है यहाँ पर। ठीक है, गैप जो है निकल गई यहाँ से गाड़ी। निकलने के बाद में अब यहाँ सामने टेम्पो खड़ा है, तो कैसे मोड़ें, अब मोड़ना है गाड़ी इस तरफ को। तो सबसे पहले गाड़ी के लिए इधर से करना, बची बिल्कुल सीधे रखना, बस हैंडल गाड़ी को बिल्कुल इस प्रकार से रखना सीधे, पीछे इसमें देखते रहना गाड़ी का स्टीयरिंग, फिर हल्का सा इधर काटा। ठीक है, इधर गाड़ी बिल्कुल सीधी कर ली, वहाँ सामने साइकिल खड़ी थी। यहाँ से फिर पीछे वाले इसमें शीशे में देखो गाड़ी जो है निकल गई आराम से। यहाँ चलते रहिए बिल्कुल सीधे,
ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया था। प्लीज़ अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।